बद्दी टूटी है यार, उसको ऊपर कर आया सचिन। इसे न्यू प्लेटिनम ले लिए और अपन ने कि अपन 30 दिनों बाद मिल रहे हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके घर में भी अच्छे होंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोग अच्छे हो या नहीं हो, क्योंकि अपन लोग मिल रहे हैं 30 दिनों बाद। और 30 दिनों बाद क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि अपने ब्लॉग्स नहीं आ रहे, अपन मिल रहे हैं 30 दिनों बाद। तो उसके लिए मैं मांगूंगा आपसे सॉरी। मेरे व्यूअर बस 80 या 100 हैं, बट उनको भी मैं डेली ब्लॉग्स नहीं दे पा रहा, या फिर दो दिन में एक ब्लॉग नहीं दे पा, 30 दिनों का गैप भी हो गया मेरे से, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। और हाँ गाइस, प्लीज जो भी मेरे को 80 लोग देखता है वो मुझे बोलना कि भाई हम लोग अच्छे हैं एंड अभी भी हम लोग जिंदा हैं जो आपके ब्लॉग देख रहे हैं। तो गाइस, आज अपने लिए बहुत खुशी की बात है, एक चीज अपने लिए बहुत अच्छी हुई है। सो उसी के मकसद से मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना लें, इससे ही अपन डेली ब्लॉग भी स्टार्ट करें। सो अभी बताऊंगा मैं क्या चीज हुआ है अपने लिए, भी थोड़ा प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। और हाँ गाइस, ये वाइट वाइट जो मुंह पे दिख रहा होगा वो सनस्क्रीन लगा लिया मैंने, क्योंकि मैं रेडी हो चुका हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि धूप में ना चेहरा वैसे एकदम घू हो रहा है, टट्टी हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी सनस्क्रीन लगा लो जिससे खराब नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लगा ली। तो आप ये मत सोच रहे मैंने पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा ली, नो ऐसा नहीं है गाइस। सचिन खड़ा है नीचे और मैंने हो गया हूँ रेडी फुल, देख सकते हो आप लोग, रेडी हो गया हूँ। तो अभी अपन निकलते फटाफट ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड में ही मैं रिवील करूंगा कि क्या चीज हुई है क्या नहीं हुआ। ब्लॉग में बने रहे गाइस। किसी न्यू प्लेटम लिए, को अपन ने भी कुछ न्यू चीज लिया, अभी अपन रिवील करेंगे। ये रहा अपना किट बैग और शूज पहन लिए और अपन अब निकलते हैं। देखो बद्दी टूटी है यार, उसको ऊपर कर आया सचिन, सिला ले क्या भाई? और टायर में आ जाएगी सचिन भाई ने, देखो सिला ले भाई, सिलवा लेंगे, हमारे हिमांशु है। गाइस चलते अपन फटाफट, क्योंकि इसके लिए बनाई गई थी। सो गाइस फाइनली आ चुके ग्राउंड पे, अब अपन दिखाते क्या चीज अपने पास आई है न्यू, अपन उसको करते अपन फटाफट अनबॉक्सिंग। हमारे मांच भाई पकड़ेंगे कैमरा, तो ये रही अपनी चीज, देख के आपको पता ही चल गया होगा इसके अंदर क्या है। तो चलो अपन करते हैं अनबॉक्सिंग फटाफट। रिसेंटली अभी एक बेट आया था मेरे लिए, सो उसको अपन करते हैं अनबॉक्सिंग। बस यही था अपना सरप्राइज, इसी की वजह से अपने ब्लॉग आज का भी बनाना स्टार्ट किया, तो एक दिन बाद कंटिन्यू ब्लॉग भी डालना स्टार्ट हो जाएंगे। अपना बेट फटाफट करते हैं इसकी। ये अपना न्यू बैग, क्योंकि कैसा लगा आपको बताना, देख लो ग्रेन्स वगैरह इसमें कुछ 10-1 ग्रेन्स, और ये अपना रेड वगैरह अपन ने CF की तरफ से मंगाया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने मंगा लिया वहाँ से। यही था अपना सप्लाई, इसी वजह से अपना आज ब्लॉग भी बनाया, क्योंकि ब्लॉग डालेंगे भाई। एक 80 व्यू आते हैं, बट जो भी मेरे 80 व्यू देख रहे हैं, बैट का कलर लाल है तो एक लाल हार्ट भेज देना प्लीज कमेंट में, 80 लोग देखते हैं मुझे। अपना नया बैट तो अपन करते फटाफट प्रैक्टिस। कैसा क्या है, अच्छा बैट है, अच्छा पंच था उसमें, क्योंकि थोड़े दिन खेला, मैच भी पता चलेगा कैसा क्या है इसमें वगैरह। जब बॉल खेलेंगे, अभी तो नॉकिंग कर रहे थे ऐसी, तो अच्छा ही आ रहा था, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि मतलब स्ट्रोक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगा नहीं है भाई, अच्छा है उसमें थोड़ा स्ट्रोक का भी, थोड़ा 2-4 दिन खेलेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इस वजह क्रिकेट का क्रिकेट को नॉलेज नहीं है, इसलिए सुन नहीं पता, प्रैक्टिस वगैरह भी होगी तो निकलते हैं घर की तरफ। फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे, से क्या मैं थोड़ा बंद कर रहा था क्योंकि फ़ोन बहुत हीट हो गया था, क्योंकि धूप में वीडियो बन रही थी और धूप में मैंने ब्लॉग भी बनाया, वीडियो वगैरह भी बनाई, प्रैक्टिस वगैरह, तो फोन हीट हो गया, उसके वजह से फोन टेम्परेचर आ गया, उसके मैंने बंद कर दिया। अभी घर पर आया हूँ, मैंने मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, और उसके बाद मैं बैठ गया हूँ खाना खाने। ये रहा खाना, दुखी चावल है अपने फ्राई चावल, सो वो खाते हैं, उसका रोटी खाएंगे एंड जब आपको मिलेंगे।